गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडेज टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। नाउ टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल देम। तो आजकल हम अपने चारों तरफ से एड से घिरे हुए हैं। तो हमें कहीं एड टेलीविज़न में देखने को मिलते हैं, कभी हमें सड़कों में दिखते हैं वो एड, कभी हमें न्यूज़पेपर्स में दिखते हैं, कभी मैगजीन में दिखते हैं, कभी टैक्सीज और रिक्शाज इनको कैरी करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स को, कभी हम सिनेमा देखने जाते हैं तो उससे पहले ऐड आते हैं मूवी से पहले, और कभी कभी जब हम इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं तो उसमें भी बीच बीच में अपेयर होते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं और वो किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारा अटेंशन प्रोडक्ट्स की तरफ खींचते हैं और ताकि हम उसको ख़रीदने के लिए फोर्स हो जाएं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टू एडवर्टाइजमेंट। नाउ बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। नाउ एट अ बेसिक लेवल, बहुत छोटे लेवल पर जो ब्रांड होता है, इसका मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को कोई नाम दे देना, किसी प्रोडक्ट को नाम दे देना। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसको दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सके मार्केट में। सो लेट अस लुक एट द एडवर्टाइजमेंट अबाउट। व्हाई डू यू थिंक दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोप एंड द दाल गिव द प्रोडक्ट्स अ स्पेसिफिक नेम। अब जो दो एडवर्टाइजमेंट है ऊपर में, उस पर ये ऐसा क्यों है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट। तो जो दाल्स और पल्सेस हैं वो लूज ज़्यादातर बेची जाती हैं। तो हमें दाल्स के बारे में यही पता होता है कि एक कोई दाल उड़द की दाल होती है, कोई मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, डिफरेंट टाइप्स की दाल्स होते हैं। तो ये ब्रांड नेम्स नहीं होते इनके। अब जब जो कंपनी होती है जो ये दालें मसूर की दाल वो पैकेट में डाल देती है, तो उसको एक उसका एक स्पेशल नेम देना पड़ता है। तो इसलिए देता है ताकि जो लोग हैं वो कन्फ्यूज ना हो जाएं कि जो पैकेट वाली दाल सही है या लूज दाल सही है। सो वो उसका नाम दे देती है कंपनी, टॉप टेस्ट दाल। तो इस दिस इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैरा। सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप, देयर आर मेनी सोप्स इन द मार्केट। तो मार्केट में बहुत सारे सोप्स होते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो कंपनी के नाम से इन सोप्स को ख़रीदते हैं। तो जो कंपनी होती है उसको नाम देना पड़ता है सोप्स को स्पेशल नेम देना पड़ता है। तो इस तरीके से कंपनी वो सोप का ब्रांड बनाती है। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस टू बाय इट। तो उसको नाम, सोप को नाम देने से लोग हैं उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो मैन्युफैक्चर होते हैं सोप बनाने वाले, उनको लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है कि उनका सोप क्यों बेस्ट है। सो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का काम आता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि लोगों को कन्विंस करें सोप को ख़रीदने के लिए। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। तो ब्रांड बनाने का जो टास्क है, क्रिएट करने का जो टास्क है, वो यहाँ ख़त्म नहीं होता कि जब उसको एक स्पेशल नेम दे दिया जाए। जैसे कोई कंपनी टॉप टेस्ट दाल के नाम से दाल बेचती है, तो दूसरी कंपनी बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से दाल बेचती है। तो इस केस में फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि विच प्रोडक्ट शुड दे बाय और विच दाल शुड दे परचेज। सो द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव कंज्यूमर रीज़न टू प्रिफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। तो मैन्युफैक्चरर को ये वजह बतानी पड़ती है कि हमारी जो दाल है वो बेहतर क्यों है, उसको कुछ वैल्यूज़ दे के वो दूसरे प्रोडक्ट से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। यू कैन सी दैट टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। अब ये जो दो एडवर्टाइजमेंट हैं दालों के, वो अलग अलग चीज़ें कह रही है। टॉप टेस्ट दाल वो हमारा जो सोशल ट्रेडिशन को अपील कर रही है कि हम अपने गेस्ट को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, और जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो हमें इस इमोशंस को अपील करती है कि हम जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ के बारे में किस तरीके से हम केयर करते हैं उनकी। तो इस टाइप के जो वैल्यूज़ हैं वो ब्रांड क्रिएट करने में यूज़ होती हैं। तो दीज ब्रांड वैल्यूज़ आर कन्वेड थ्रू यूज़ ऑफ विजुअल। तो ये विजुअल्स के थ्रू हमें दिखाई जाती हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज़। एडवर्टाइजमेंट आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोशल लाइफ। तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं हमारे सोशल लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से जज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स दे यूज़। सो ये हमारे जो लाइफ में है बहुत पावरफुल इसका असर पड़ता है। सो नाउ वी दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड
हाउ इट वर्क्स। मूव टू नेक्स्ट पेज। ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल दैट आर लूज। जो ब्रांडेड दाल्स होते हैं उनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है लूज दालों से, क्योंकि उनका उनको स्पेंड करना पड़ता है पैकेजिंग में और एडवर्टाइजमेंट में। सो लेकिन ज़्यादातर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। सो लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि वो अपने गेस्ट को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते अगर जो टॉप टेस्ट दाल खरीद नहीं सकते तो। सो इस तरीके से ये मानने लग जाते हैं लोग कि जो पैक्ड दाल हैं जो या ब्रांडेड दाल होती हैं वो लूज़ दाल से अच्छी होती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। उन दोनों दालों में कोई डिफरेंस नहीं होता, हमें बस ये इमेजिन कराया जाता है कि ब्रांडेड दाल अच्छी होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड। अब केयर सोप एडवर्टाइजमेंट में मदर का इमोशन का यूज़ किया जाता है उस सोप को बेचने के लिए, तो उसको मदर को कन्विंस किया जाता है कि ये इफ़ शी लव्स हर चाइल्ड शी विल बाय दिस एक्सपेंसिव सोप। और जो अपने चाइल्ड की केयर करती है तो वो अपने तो इस सोप को खरीदेगी। सो जो मदर होती है जो इस सोप को ख़रीद पाती है तो वो सोचती है कि हाँ, बिकॉज आई लव माई चाइल्ड आई कैन शो माई चाइल्ड लव दैट सो आई विल यूज़ दिस सोप। सो लेकिन जो मदर्स होती हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, जो इसको ख़रीद नहीं सकती, वो फील करती हैं, वो महसूस करती हैं कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर केयर प्रॉपर लव नहीं दे पा रही हैं। एज यू कैन सी द टू एडवर्टाइजमेंट दे ऑफन टारगेट आर पर्सनल इमोशंस। तो जो दो एडवर्टाइजमेंट है ये हमारे पर्सनल इमोशंस को टारगेट करते हैं, तो इस वजह से हमें फोर्स करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को बाय करें। ऑफन सेवरल क्रिकेट हीरोज अ फेवरेट फिल्म स्टार ऑल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट टू थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो कई बार जो फिल्म स्टार होते हैं या जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हेल्प करें, कंपनी की प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हेल्प करें। तो जब हम इनको देखते हैं जो फिल्म स्टार होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं, जब ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो लोग भी कन्विंस होते हैं, क्योंकि ये तो रोल मॉडल्स होते हैं लोगों के, तो लोग भी फिर इसको खरीदने के लिए कन्विंस होते हैं। लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं कभी जो पुअर लोगों की लाइफस्टाइल होती है, गरीब लोगों की लाइफस्टाइल को कभी दिखाते नहीं, वो सिर्फ रिच लोगों की लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन अ लाइफ। जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो हम जब प्रोडक्ट एडवर्टाइज होता है तभी उसको खरीदने जाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हमें उसको खरीदने के लिए फोर्स नहीं करता, बाकी हम बल्कि में जब हम जो अपने बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, उसको भी इफेक्ट करता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें कि ये इस तरीके के इमेजेस क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पर्सनल इमोशंस को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है वो भी चेंज हो जाती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। एडवर्टाइजिंग बाय फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ रिच एंड फेमस हेल्प अस टू फॉरगेट अबाउट इशूज ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर जो रिच लोग होते हैं उनकी लाइफ पे फोकस करते हैं, तो इस वजह से जो हॉर इश्यूज होते हैं उनको लोग भूल जाते हैं, जैसे पावर्टी और डिस्क्रिमिनेशन का। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स टेल अस हाउ वी शुड लिव आर लाइव्स। तो जो प्रोडक्ट्स को सेल करने से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें ये भी बताता है कि हाउ वी शुड लिव आर लाइव्स। सो एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजमेंट हैज़ ऑन आर लाइव्स। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीज़न होने के वजह से हमें ये इस बात का अवेयर होना चाहिए कि इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में वो कैसा होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।